हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा अमेज़ॉन का पार्सल आ गया है, जिसका मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी। वैसे आज अभी बाज रहे हैं रात के 1, और मैं आज बहुत बिज़ी थी। मैं कहाँ बिज़ी थी आप लोग वो देख कर आइए। पहले मैं जब तक इसे अनबॉक्स करके बताती हूँ कि इसमें क्या है। घर पे आने वाले हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, उनके लिए एक छोटी सी दावत है, जिसके लिए मैंने बनाया फिश का, मच्छी का सालन। भी मच्छी तलना है, जब वो लोग आ जाएंगे तो तब मैं मच्छी तलूंगी। यहाँ पे मैंने मसाला लगा के रख दिया है मच्छी को। जो मच्छी नहीं खाएंगे उनके लिए मैंने मटन पसंदे बनाया। ये हैदराबादी एक मटन का सालन है, बहुत मज़े का बनता। कभी इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह। फिर उसके साथ मैंने यहाँ ज़ीरा राइस बनाया। अभी रोटी भी डालना बाकी है, अभी रोटी डालना है। फिर स्वीट में बनाया मैंने अरेबी पुडिंग और फ्रूट सैलेड। इतना सब बनाया, मच्छी का सालन, मच्छी तलना है, मटन की ग्रेवी बनाई, ज़ीरा राइस, चपाती, और ये दो स्वीट, ये एक फ्रूट सैलेड है और ये अरेबिंग पुडिंग है। ब्रेड पुडिंग भी बोलते इसको, अरेबी पुडिंग भी बोलते। बहुत टेस्टी है बनता। इन चक्कर में मैं आज कुछ भी व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, दिन भर इसी में थी मैं। आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं कहाँ बिजी थी। आज दिन भर मेरा उसी में गया। दिन भर मतलब शाम शाम में मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बताया था कि वो लोग आ रहे हैं, तो आज ये सब बनाना है। तो मैंने सब पकाई करी, अभी सब चले गए वो लोग 9-10 बजे तक। तो फिर मैंने सब किचन की साफ़ सफाई की, बच्चों को खाना खिलाया करा। फिर बच्चों का कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम मीन्स टेस्ट है, तो थोड़ा उन लोगों को पढ़ाई करी। अभी वो लोग सो गए तो मुझे अभी लग रही है भूख। वैसे मैं इस पार्सल का ना बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी। क्या है मैं बताती, ये है, ये है चिकन सॉसेजेस, जिसका मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी। मैंने ये ऑर्डर कब किया था, थर्सडे, आज है संडे, तो मैंने इसे शायद वेनसडे के दिन ऑर्डर किया था। वैसे ये मंडे डिलीवर होने वाला था, लेकिन फिर भी आज संडे ही डिलीवर हो गया, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ये सॉसेजेस है, चिकन सॉसेजेस, जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेज़ॉन से। ये मुझे कुछ 9.99 में मिला, जो बहुत महंगा मिला मुझे, क्योंकि हैदराबाद में ये शायद 345 या 375 समथिंग आधा किलो है, हाफ के जी, और मुझे ये मिला यहाँ पे 9.99। और ये हाफ के जी भी नहीं है, ये सिर्फ 400 ग्राम्स है। ये वैसे मुझे ये खाना था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जान दो, कितना भी महंगा रहन दो, मेरे को खाना है। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है, ये ना सॉसेजेस, जब अम्मी हमारे पहले दुबई जब जाते थे, हमारे अम्मी ना बहुत जाते थे यूएई, तो वहाँ से मैं हमेशा अम्मी को आने के टाइम पे बोलती थी, कुछ नहीं तो नहीं अम्मी, लेकिन सॉसेजेस ज़रूर लेकर आना, मेरे को सॉसेजेस खाना है। क्योंकि उस टाइम पे ना पहले यहाँ हैदराबाद में नहीं मिलते थे ये, लेकिन अब हैदराबाद में ईजीली मिल रहे, लातूर में नहीं मिल रहे, लेकिन हैदराबाद में ईजीली लोकल शॉप्स पर भी अवेलेबल है ये। तो अभी बनाने वाली हूँ मैं ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जब मैं यूएई गई थी दुबई, तो वहाँ पे हम ये बहुत खाए और बहुत टेस्टी लगा था हमें। जब मैं लास्ट जब दिसंबर में गई थी, तो वहाँ पे हम भैया के साथ, हमारे बहुत बार ये खाए रामेन। वहाँ पे इसे वो लोग इंडोमी बोल रहे थे, वहाँ पे इंडोमी बोलकर हम बहुत खाए, मतलब हर दो दिन में एक बार खा रहे थे हम लोगों को, इतना पसंद आ रहा था ये। तो मैं जब वहाँ पे ही खाए, फिर हम जब हैदराबाद वापस आए, तो मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पे भी हम अपन चेक करेंगे, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद आया था, मेरे छोटे भाई को। तो अभी मैंने ये पानी बॉयल करने रखा है। इनको बनाने के ना बहुत ज़्यादा नखरे है, अपनी सादी मैगी की जैसे नहीं, इनको थोड़ा नखरे से बनाना पड़ता। तो मेरे भाई ने सर्च करके, वो ऐसा ऑनलाइन सर्च करे क्या क्या है, क्या नहीं, क्या खाए थे अपन, तो उन लोगों को पता चल गया। तो दोनों ने दो तीन बार ट्राई करे, तो उसे सेम वही टेस्ट मिला, तो वो
बोला कि अपन भी यहाँ पे सेम वो रामेन बना के खा सकते, इंडोमी बना के खा सकते। तो उसने ही मुझे बताया कि ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा क्योंकि ये लोकल शॉप्स में नहीं मिल रहा था। तो हमने ये भी ऑनलाइन मंगाया, ये भी ऑनलाइन मंगाया। बहुत ज़बरदस्त है इसका टेस्ट। चलिए मैं आपको भी बताती कैसे बनाएंगे। वैसे इसमें ना बहुत सारे फ्लेवर्स है, तेज़ है, फीके है, जैसे आपको खाना है। हम जो दुबई में खा रहे थे ना वो फीके फीके थे, लेकिन बहुत टेस्टी थे, विथ सॉसेजेस खा रहे थे। ये भी वैसे चिकन फ्लेवर ही है, चिकन एंड चीज़ फ्लेवर है ये, चिकन चीज़ फ्लेवर रामेन है ये। तो जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तो मैं हम लोग पहले सऊदी गए थे। सऊदी जाने के बाद, सऊदी में हम लोग 15 डेज वहाँ रह के फिर हम दुबई में गए। मैंने ना सऊदी में सिंगापुर राइस खाई थी, वो भी क्या ज़बरदस्त थे। अभी जब मैं लास्ट हैदराबाद गई थी ना, तो मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की कि कौन से होटल में हमें मिलेंगे वो सिंगापुर राइस, पर मिला नहीं। इंशाल्लाह अभी ढूंढना चालू है कि वो कहाँ मिलेगा, अगर मिल गया, नहीं तो मैं इंशाल्लाह मैं सर्च कर रही हूँ कि मैं घर में बनाने एक बार ट्राई करूँ, क्योंकि वो उसका फ्लेवर ना अभी तक मेरे दिमाग में है, जो हमने सऊदी में सिंगापुर राइस खाए थे, बहुत ज़बरदस्त। सऊदी का सिंगापुर राइस और यूएई में ये इंडोमी, तो इंडोमी तो हमें समझ में आ गया और बनाना भी मालूम हो गया। तो अभी सिर्फ सिंगापुर राइस है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी बनाएंगे अपन। वैसे किस किस को खाना ऐसा पसंद, मतलब मुझे ना, मतलब मैं कहीं अगर घूमने गई, कहीं गई, अगर मुझे कहीं चीज़ की ना, मतलब हर चीज़ पसंद नहीं आती, अगर कोई चीज़ समझ में आ गई, कोई चीज़ पसंद आ गई, मतलब ख़त्म, उसको मैं दिल भरे जब तक खाती, मेरा ऐसा हिसाब है। जैसे मुझे चिली पनीर भी बहुत पसंद। अभी लास्ट टाइम जब हम लोग मुझे ना चिली पनीर भी बहुत पसंद, तो मैं कभी भी बाहर खाना खाने जाऊं और चिली पनीर ऑर्डर ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा जब भी मैं खाना खाने जाती तो मैं चिली पनीर ऑर्डर करती ही करती, वो तीन टाइम अगर बाहर खाना खाऊं तो तीन टाइम भी करती। अभी लास्ट टाइम जब मैं मेरे भाई के साथ गोवा गई थी, तो वहाँ थोड़ी मेरी और मेरे भाई की थोड़ी बहस हो रही थी कि एक बार क्या कोई चीज़ पसंद आ गई तो इतने बार खाते क्या उसको, एक टाइम खा रहे बस है। मैं बोली नहीं नहीं नहीं, मेरे को अगर पसंद आ गया तो मैं दिल भरे जब तक खाती। वैसे ऐसी किस किस की आदत है, अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो उसे दिल भर के खाना, और रामेन किस किसने खाया है अब तक? ये वैसे टेस्ट में ना बहुत ज़बरदस्त होती है। मैंने इसमें ना सारा मसाला नहीं डाला है, थोड़ा ही मसाला डाला है, क्योंकि मुझे उतनी तेज़ तेज़ नहीं खानी है, फीकी फीकी खानी है, जैसे मैंने वहाँ खाई थी, मुझे वही फ्लेवर में खाना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मसाला नहीं डाला है। चलिए मैं आपको इसको मिक्स करके बताती, इसे पूरी तरीके से मिक्स कर लेना पड़ेगा। गरम है बहुत, मेरे रामेन रेडी हो गई है ज़बरदस्त। अभी मैं इसे खा लूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप लोग भी कभी रामेन ट्राई करके देखिए, और किस किसने खाया कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ इंशाल्लाह, फिर कल मिलेंगे, या जब भी मैं व्लॉग डालूंगी तब मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ।